अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चिकन एंड एग सैंडविचेस, जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे हाफ चिकन ब्रेस्ट को बॉईल करके श्रेड कर लिया। 3 अदद अंडे ले लिए, उनको बॉईल करके और छोटा छोटा कट कर लिया। हाफ कप बंद गोभी का ले लिया। अपने इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून नमक, और साथ में इसमें मायोनीज चाहिएगी, वो एज रिक्वायर्ड होगी जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्रेड। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेड के कॉर्नर्स रिमूव कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्नर्स के साथ भी बना सकते हैं सैंडविचेस, और कॉर्नर्स उतार के भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगता हो। मैं कॉर्नर्स रिमूव कर रही हूँ, ज़रा जब आप चाय या किसी टी पार्टी या किसी बच्चों की पार्टी में, किड्स पार्टी में, या बच्चों को स्कूल देते हुए अच्छा लगता है ऐसे कॉर्नर्स उतार के फिर बनाए। तो ये कॉर्नर्स मैंने रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया और उसमें मैंने डाल दिए जो बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन है, साथ जो बॉयल किए हुए अंडे हैं, और साथ में बंद गोभी ऐड कर दिया। आप बंद गोभी छोड़ भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। साथ में मैंने यहाँ पे मायनीज ऐड कर दी है और काली मिर्चों का पाउडर और नमक, और अब इसको मिक्स करके देखेंगे कि हमें मायनीज की और ज़रूरत तो नहीं है, कि ये आपस में चिपक जाना चाहिए सारा कुछ। ये आप देख सकते हैं कैसे वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं, बट आपस में आप देख सकते हैं कि कैसे वो सारा कुछ मिल गया है, हमें बस ऐसे ही चाहिए। बस अब सिंपली आपने इन स्लाइसेस के दरमियान में ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको लगा देना है। आप इसके साथ टोमेटोज भी रख सकते हैं स्लाइस करके, चीज़ भी रख सकते हैं स्लाइस, जो भी आपको पसंद है, कुछ भी एडिशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली बस इन्हीं चीज़ों का बना रही हूँ। या आप चाहें तो आप बंद गोभी स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ चिकन और अंडे के बना सकते हैं। ये मैंने सारे बना के रख दिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा पूरा रख दें, ये ज़रा अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पड़े हुए। तो मैंने एक सैंडविच के 4 पोर्शंस कर लिए हैं, 4 छोटे छोटे सैंडविचेस बना दिए। किसी पार्टी में, टी पार्टी में, बच्चों की पार्टी में, स्कूल पार्टी में, ये अच्छे लगते हैं, खाने में भी मज़े के होते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी पसंद आएंगे। बस अब इसको मैंने सब को कट कर देना, और अब मैं इन सबको प्लेट में लगा दूंगी। आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है। मैं यहाँ पे बस सिंपली इन्हीं चीज़ों के बना रही हूँ, बाकी के भी सैंडविचेस मैं कट कर लेती हूँ। इसके आपके काफ़ी ज़्यादा सैंडविचेस बन जाएंगे। अब इनको कट करके तो डिश आउट कर दें, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पड़े हुए भी, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े के होंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।